नई कोकिला मोटा भाभी। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए। आओ पधारो मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी खतरनाक चीज देखी होगी लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है सांस। ये वाली सांस नहीं, वो वाली सांस। मिर्ची का पाउडर तू नहीं मिला है मेरे खाने में, आगा पीछा सब जल रहा है। अरे वही रे, सास बहू वाली सास, कितना समझाना पड़ता है। दुनिया में सबकी दोस्ती मुमकिन है लेकिन सास बहू की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। जैसे रावण कभी सीता वापस नहीं दे सकता, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं, वैसे सास बहू की गलती माफ नहीं कर सकती। सास बहू का रिश्ता है भाई, कभी दोस्ती नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो, ब्रह्मांड इधर का उधर हो जाए। लेकिन कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। इन दोनों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा कौन पिसता है? बेचारा पति। जब भी वो काम पर से घर पर आएगा, सास बहू दोनों अब एक दूसरे का बाल पकड़ के घूमर घूमर खेलती रहती है। सास का तो आतंक रहता है, आतंक कैसा? रावण जैसा। मैं, हम, यहाँ, दशानन, मैं करूँगी वही ठीक है, मैं जो करूँगी वही राइट है, तू जो करेगी वो रॉन्ग है, कि मैं ही तो हूँ ब्रह्मांड की रचयिता। सास अपने को भगवान से कम नहीं समझती। एक्सीडेंट कहाँ है आप सब? मैं अभी आ रही हूँ। उसको कभी कभी लगता है वो इच भगवान है। वो अपने बेटे के लिए लड़की लाती तो है, बोलती है इसको बहू बनाओगी, वो सब बोलने की बातें रहती है, बहू नहीं होती है, हसल में रहती है नौकरानी। वाह रे मारू नसीब कि मुझे तेरे जैसी नौकरानी मिली। माझी कलमू ही रावण सास मिली। वाह बहू, खाली नाम बहू रख देते, रहती तो नौकरानी। एक सास ही ऐसी औरत रहती है जो अपनी बहू को सांस नहीं लेने देती घर, कदापि नहीं। बहू जी, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती हो? मैं जब बहू थी ना तो देर तक सोती थी। और सुन, बार बार मैके जाने की जिद मत करना। मैं तो अपने मैके वालों को यही बुला लेती हूँ 6-6 महीने के लिए। और देखो, मेरे बेटे को काबू में करने की कोशिश मत करना। मैंने तो आज तक तुम्हारे ससुर जी को कंट्रोल में किया हुआ है। बहू कुछ अच्छा बोलेगी तभी भी तूने ऐसा बोला, और बहू कुछ अच्छा करेगी तभी भी तूने ऐसा किया। मतलब कुछ करो या ना करो, बस सहना तो है, तूने ऐसा किया। बहू भी कभी कभी सास को समझाने बैठ जाती है, फिर अपने दिमाग में सोचती है गधों को क्या समझाए, गधे तो गधे ही रहेंगे। तो वो भी बेचारी चुपचाप रह जाती है। पता है सब सासें ऐसी नहीं होती, मतलब सब सास ऐसी नहीं होती, लेकिन 90% सास ऐसी ही होती है। 10% अच्छी रहती है वो, लेकिन पहले निकल लेती है। बहू को सास नहीं मिलती, खतरनाक विलन मिलता है जो हर काम बताता है फिर बोलता है चाहिए अभी के अभी, जो काम कल होगा तभी भी चाहिए अभी के अभी। घर की सिंगम बन जाती है सिंगम। बहू कुछ बोले या ना बोले सीधा खाने के लिए दौड़ती है, हर छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा उठाती है। अगर किसी को नई नई न्यूज बनाना है तो सास लोग के पास जाओ, हमेशा नई नई न्यूज मिलेगी, न्यूज चैनल की चिंता ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ अलग से एक चैनल खोलना चाहिए, सास वाला चैनल, सासों का मुद्दा। बहू से काम कराने के लिए उसका एक मुंह नहीं, रावण के जैसे 10-10 मुंह है उसके। ये सिर्फ बहू जानती है और कोई नहीं। जिंदगी में एक ही बार राम बनती है सास, किसी लड़की को अपने घर बहू बनाना रहेगा तब बड़े बड़े डायलॉग मारेगी, इसको बेटी जैसा रखूंगी, सब ऐशो आराम दूंगी। जैसे ही बहू बन के आई, थोड़े दिनों के बाद सास का आतंक शुरू, जो राम बनी थी वो राक्षस बन जाती है। नए मुद्दे उठाना शुरू कर देती है, बस तूने तो मेरे बेटे को काबू में कर लिया है, अगर बहू इसको थोड़ी देर भी बैठी हुई दिखी तो इसका नागिन डांस शुरू। सास नहीं मैनेजर बन के बैठी है, मतलब कम से कम इम्प्लॉय सास तो ले सकते हैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद, लेकिन बहू की तो 24 घंटा ड्यूटी रहती है इंक्लूडिंग संडे। फिर बहू तो सोचेगी ना, सास से बड़ी हिटलर कोई है ही नहीं। अभी ये लॉकडाउन हुआ है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, बहू का लॉकडाउन तो जिंदगी भर का लॉकडाउन है। कुछ कुछ पति सपोर्ट कर लेते अपनी बीवी का, और कुछ कुछ पति गांधी जी के 3 बंदर की तरह होते, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो,
बुरा मत कहो। और यही तीन बातें अपनी पत्नी को समझाते हैं। अगर सास कुछ बोलेगी तो ये तीन रूल अपना लेना और जिंदगी यूं काट लेना। अगर पति ने सपोर्ट ले लिया और कुछ बोल दिया पत्नी के सपोर्ट में, तो सास का एक ही डायलॉग, इसलिए तुझे पाला था 9 महीना पेट में, हाँ बस मेरे सामने बोलेगा तू। पति को भी बोलना चाहिए, तू पेट में ही पालेगी थोड़ी, अंडे में से निकलूंगा मैं। हर चीज को सुधरने में टाइम लगता है, लेकिन सास को सुधरने में कभी टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो सुधरेगी नहीं। ऊपर से सर्टिफिकेट लेके जाती, मैं रावण राज्य चलाऊंगी नीचे जाऊंगी तो। जाते जाते दासू लाइन। छोटी सी है जिंदगी, टेंशन में ना बिताना, जब भी टेंशन आए एक ही बात दोहराना। कर इतना करम कि हर गम को भूल जाऊं, कर इतना करम कि हर गम को भूल जाऊं, पहले वाली छोड़ के दूसरी को पटाऊं और दिन रात यही गाना गाऊं। जहर है के प्यार है तेरा चुम्मा। लाइक कमेंट और शेयर कर ही देना, कमेंट तो कर देना, प्रोत्साहन मिलता है, कमेंट करने से प्रोत्साहन मिलता है। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर अगला वीडियो कैसे आएगा। वीडियो देखने के लिए सबका तहे दिल से धन्यवाद।